लोकसभा चुनाव के बाद से ही, सरकार के गठन के बाद से ही लगातार देश की सियासत गर्माती रही है। लोकसभा में पहली बार बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी आज बोल रहे थे, और जब राहुल गांधी बोलने के लिए आए तो उन्होंने बीजेपी पर, सरकार पर कई बड़े प्रहार किए, कई बड़े आरोप लगाए। अग्निवीर स्कीम से लेकर नीट पेपर लीक को लेकर कई मोर्चों पर सरकार को घिरने की कोशिश की। भाषण के दौरान काफी शोर शराबा हुआ, काफी हंगामा हुआ लोकसभा के अंदर। तो राहुल गांधी का भाषण तकरीबन पौने दो घंटे तक चला। इस दौरान राहुल गांधी के भाषण के दौरान बहुत सारी आपत्तियों को लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से विरोध जताया गया। उनके बयान पर, राहुल गांधी के भाषण पर कई बातों पर आपत्ति जताई गई, और इस दौरान जो लोकसभा का मंजर था वो काफी हंगामेदार था। ये रिपोर्ट देखिए। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी। गलत बयानी करके सदन को गुमराह कर, नहीं सर, गलत नहीं है। जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है, उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए। मान्यवर, ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है। मान्यवर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 90 मिनट के अपने पहले भाषण में पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलते नजर आए। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। लोकसभा में राहुल गांधी ने भगवान शिव और गुरु नानक देव जी की फोटो दिखाते हुए स्पीच की शुरुआत की। राहुल ने शोर शराबे के बीच तेज आवाज में कहा, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर राहुल के इस बयान का विरोध किया। अमित शाह ने माफी मांगने की मांग की। राहुल गांधी का अटैक, कहा हिंदू कहने वाले 24 घंटे हिंसा नफरत करते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत। असत्य। हिंदू हो ही नहीं। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है, मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, पीएम को भगवान का मैसेज आया, नोटबंदी हुई। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान वही। मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। राहुल ने क्यों कहा मोदी अयोध्या से लड़ते तो हार जाते, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। अग्निवीर पर घमासान, राहुल बोले सरकार के लिए अग्निवीर यूज एंड थ्रो। पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी पर सीधा सीधा अटैक किया। अब तक राहुल सियासी मंचों से लगातार बीजेपी पर हमला बोलते रहे।
लेकिन पहली बार लोकसभा में उन्होंने नेता विपक्ष के तौर पर बोला तो आक्रामक रुख नजर आया। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर पलटवार शुरू है। जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी जी को सभी हिंदुओं को हिंसक कहने के लिए तुरंत उनसे माफी मांगनी चाहिए। ये वही व्यक्ति है जो विदेशी राजनयिकों से कह रहा था कि हिंदू आतंकवादी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी एक्स पर बयान आया, हिंदू भारत की मूल आत्मा है, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में डूबी हुई स्वयं को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाली जमात के शहजादे को ये बात भला कैसे समझ आएगी। के भाषण में मेजॉरिटी तो झलकी भी, लेकिन ऐसा था कि बस एक उकसाने के लिए आए थे, जहां पे गंभीरता नहीं थी, सच्चाई नहीं थी, एक मजाक था। वो एक मजाक कर रहे थे, वो एक भाषण नहीं दे रहे थे, वो दुनिया की पीड़ा या युवाओं की पीड़ा या नीट की पीड़ा, उनमें पीड़ा नजर नहीं आ रही थी, वो खाली का एक हर शब्दों के साथ एक हथियार। तो बड़ा ही दुखद रहा, बहुत इमेच्योर, खास करके शिव जी की तस्वीर के साथ जिस तरह वो खेल खेल रहे थे, जैसे कोई हमारे महादेव हैं, देवादिदेव हैं, मेरा जीवन है। देखिए, मैं समझता हूँ कि कभी भी हम कोई भी हम टिप्पणी करें तो उसके बारे में हमें सावधान होना चाहिए कि हम किस तरह से अपने शब्दों का प्रयोग करें, किस तरह से अपनी भाषा का प्रयोग करें, क्या हम कहना चाहते हैं और क्या हम कभी कभी कह जाते हैं। तो इसलिए जो उन्होंने कहा था वो ज़रूर आपत्तिजनक था। मैं ये नहीं कह सकता वो उनकी ऐसी मंशा रही कि नहीं रही, उनकी इंटेंशन हो सकता है खराब नहीं हो। देखिए, राहुल जी को जैसे मैंने कहा है वो एक अच्छा एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है वो एक्चुअली में जो शिव जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है, ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर, हम तो लोग हंसी रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते वो भी कांग्रेस का हाथ है। तो आज जो भी हाथ उठाते हैं भगवान, उन्होंने सबको जो है कांग्रेस का प्रचारक बना दिया। और उन्होंने कई आपत्तियां जताई। सबसे बड़ा उनका जो गिला शिकवा था प्रधानमंत्री जी से कि जब वो आते हैं, जब राजा साहब आते हैं, राजा बेटा जैसे मैं उनको बुलाती हूँ, तो वो प्रधानमंत्री जी जो है वो खड़े होकर उनको नमस्ते नहीं करते। लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का बयान सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक दिखा। चुनाव में राहुल गांधी कई बार मोदी सरकार को घेरते नजर आए, लेकिन पहली बार देश ने देखा जब प्रधानमंत्री सामने बैठे हैं, दिग्गज मंत्री सदन में मौजूद रहे, तब नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी सदन में सीधे सरकार पर प्रहार करते नजर आए। खुद राहुल गांधी के आरोपों के बीच पीएम मोदी ने गंभीरता दिखाई। महंगाई, हिंदुत्व, महिला, किसान की राहुल के बयान पर घमासान मचा है। लोकसभा में पहली बार बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला। उन्होंने दो बड़ी बातें सबसे ज्यादा जोर देकर की, पहला डर और दूसरा संविधान। भाषण के दौरान शोर शराबा दिखा तो राहुल गांधी का भाषण करीब पौने दो घंटे तक चला। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।